गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से करते हैं शुरुआत पूरे दिन की और जहाँ से व्लॉग एंड किया था वहीं से है स्टार्ट। ये सेकंड डे के इवनिंग की बात है जब बच्चे साफ़ सफाई कर रहे थे, फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना लाइव को उसको अपने व्लॉग को कंटिन्यू करें और फिर नेक्स्ट व्लॉग आपको मिल ही जाएगा। नवरात्रि के पूरे दिन किस तरह से हमारा कहाँ निकल जाता है कुछ पता नहीं चल रहा और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि हाँ माता रानी की ये दिन किसी तरह से भी जाएँ, क्योंकि बहुत ही जगमगाहट और मक्खियाँ आजकल काफ़ी हो गई हैं। आप सब भी इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं? मैं थोड़ा बाहर आई थी, फिर मैंने देखा तो फिर मैं वही झाड़ रही थी कि बताइए मक्खियाँ पत्तों को खाकर इन्हें बिल्कुल फिनिश कर देंगी। और यही बात मैं सुनील जी से बोल रही थी। मुख्य सारे के सारे पेड़ में चावल लग गए, सारे पेड़ खराब कर दी और अब हमारे यहाँ बन रही चाय की तैयारी होगी। टाइम हो रहा है 3:30। शाम की तैयारी होगी पूजा की, ये भी आगे कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी तेरी होएगी ममता, इसे बोलो कुछ उल्टा सीधा। मैंने खाई चाउमीन, बोलो बोल रहे ना ऐसे कुछ सीधी हो ना, बोलो सीधी हो कब? मैं सीधी ना? नहीं पापा तेज है? नहीं दो आज मूवमेंट मिलने स्टार्ट हो गई अभी से, अभी बनी है ना स्टार्ट हुई ना। हाँ खाए एक बार के चिप्स हो गई, एक बार के आलू टिक्की और दो बार वो पकौड़ी। बढ़िया आज का दिन पूरा दो किलो आलू खाए, देख के आलू ना आलू कल तो लाया ही। अब केवल सैलेड खा रहे हैं। सैलेड सैलेड वो आज वो बनाना गया की सब्जी सैलेड के साथ। हाँ कुट्टू की वो रोटी क्या क्या पूरी तू बनाएगा ना? आप बना के चलो आपकी पूजा वगैरह करें। चलो हाँ घंटी का है आरती स्टार्ट, आरती स्टार्ट करो सुनना टीवी पर। हो गया स्टार्ट और नहीं बोलेगा बता दो घर क्या हो रहा है बताओ कल की तरह। ये बन रही है कुट्टू की पूरी कचौड़ी, पापा जी को और पापा खाने वाले हैं। पापा जी कैसी बनी है? पापा कह रहे हैं बड़ी बनी है। आपको अच्छी लगती है? आज क्या हो रही है? आज व्रत का खाना बन रहा है। नहीं गर्मी काफी है। अच्छा गर्मी काफी है तो पंखा लगा दे मम्मी का। क्या बना? और ये है घिया की सब्जी, आलू घिया की सब्जी व्रत की और गर्मा गर्म दूध और ये कुट्टू की कचौड़ी, इसमें आलू भी है। दिख नहीं रहे लेकिन है। क्या नहीं दिख रही है? आलू नहीं दिख रहे हैं? अरे कितने आलू डाले इसमें? चलिए जैसे कि आपने देख ही लिया हंसी मस्ती के साथ पूरे दिन हमारा कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। अब इस ब्लॉग का एंड करूंगी, मतलब गुड नाइट हो चुका है, नेक्स्ट डे मिलूंगी आपको गुड मॉर्निंग के साथ। हैप्पी नवरात्र ऑल ऑफ यू। थर्ड नवरात्र है आज, तो आज की सुबह मैंने सोचा सुबह सुबह शुरू करते हैं क्योंकि इस टाइम कीर्ति भी निकल जाती है अपने ऑफिस टाइम के लिए और फिर शाम तक किसी तरह से बिजी रहे वो रही वो। और बस वो तो नहा धो के पूजा कर ली उसने, क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई आप देख रहे होंगे, इसके जाने की तैयारी हो रही है और इस तरह से हमारे मंदिर का कुछ लुक है और मैं दिखाती हूँ। मैं ले आ रही हूँ बैठ। अच्छा ये इसका तैयार है, अब डालूंगी अब एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। ये है इसके लंच के लिए कुछ कुछ चीजें।
वैसे तो ठीक है खाने के तौर पर मैंने कहा कभी टिफिन वगैरह में रिस्क ना लो। दिखा लुक, दिखा इसका आज का लुक। और आज थर्ड नवरात्र होगा पता नहीं है ना, वैसे लग गया है ना, फिर कभी मतलब मकई लग रहा तीसरा नवरात्र का सही में। और भोलू को हो बस ईद की वजह से उसे वो खानी है ईदी में जो हमारा सामान आएगा फिर कौन खाएगा उसे, क्योंकि हम दोनों तो व्रत रहेंगे। और ये भी बहुत सारी चीजें हैं कीर्ति, कचौड़ी के साथ ना मैंने चटनी बना दी है ले ला। और यहाँ मैंने आलू छौंक दिए इसके लिए सुबह सुबह। दिन की शुरुआत हो गई हमारी किचन के साथ। चलिए अभी 8:30 हो रहे ना, अभी फिर तो इनके एडमिशन वगैरह हो जाएंगे, फिर ये स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को चलिए शुरुआत अपनी। तो जैसा कि सुबह मैंने बता दिया था ये तीसरा नवरात्रा है और घर से निकलने वाला कोई भी हो, स्कूल के बच्चे हों, ऑफिशर गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, जॉब जाने वाले, ड्यूटी जाने वाले जो हमारे मेंस होते हैं वो सब, तो उनके लिए कुछ हमेशा कुछ पसंदीदा बनाना चाहिए। सुबह से शाम तक निकलते मैं आ गई थी वीडियो शूट करने छत पर। हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो मैंने सुबह तो दिखाया था आपको जो ब्लॉग स्टार्ट किया था, आज था थर्ड नवरात्र, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो मैं सोच रही थी कि छत की अपडेट भी आपको दे दूँ। आज मैं छत पर आई हूँ और यहाँ पर ये कुछ मुनक्की के पैकेट और यहाँ पर कुछ फूल रहा दे कबूतरों के लिए सारी चीज़ें, ये मुनक्का, ये बादाम और यहाँ पे कुछ जाल वगैरह बनाया ये बैठने का। अब क्या करने लगे, पानी, और ये जा रहे पानी देने के लिए। तो मैंने तो आपको अपडेट भी कर दूं कि मतलब क्या चल रहा है कैसे कैसे। हाँ ठीक है, रोज ही कि उड़ान के लिए कबूतर वगैरह देखो सारे के सारे, और ये रखेंगे पानी। अब छत पे जिस दिन से कलर हुआ मेरा आना भी ना हो पाया और मैं आपको दिखा भी ना पाई, तो ये कुछ इस तरह से हमारी छत प्रिपेयर हो गई है। शिव हम देखे कितनी फ्रेश वाली स्कूटी चला के कहीं जा रहा हूँ, नई स्कूटी लिया और ये है मेरी नई स्कूटी क्योंकि मौसी ने ज्यादा तेज में चलिए भाग लेगी नहीं तो ऊपर करते रहा शू शू अरे ऐसे ही नीचे कर दे। नवरात्रि के तीसरे नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्र। टेढ़ा तो ना लगा आपके हाथ से, मुझे लग रहा टेढ़ा लग रहा। और हम तीनों ही व्रत हैं, पहले से भोलू भी व्रत रहा लेकिन आज व्रत नहीं है ये, क्योंकि रीजन पहले दो और लास्ट दो। हाँ सुबह मॉर्निंग में रीजन बता दिया था। अब हमारी आरती का टाइम हो रहा, अब हम करेंगे आरतियाँ। अभी तक तो देखो जो नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन तक बस कल से पानी डाल देखो ना, नहीं पानी तो डाल दिया था कल से, कल के बाद से मतलब दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए करते हैं आरती पूजा और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। आज है 11 अप्रैल और आज है सज सुजुल के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, लेके जाएंगे सुजुल में जाएगा आज सुबह में मैं हूँ। और किस चीज़ को अच्छा लगता जब नए नए स्कूल एडमिशन होते हैं ना, तो क्या हुआ किस किस का बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कैसा लग रहा है बोली 11th क्लास में एंट्री करेगा अभी। वैसे रिजल्ट तो इसका आया नहीं है, आएगा जो आएगा वो दिखाएंगे आपको, रिजल्ट भी दिखाएंगे, लेकिन अब जा रहे हैं हम एडमिशन करवाने के लिए। जैसा भी रहेगा
और किस किस को मतलब नई नई सी फीलिंग आती है, नई किताबें, नई कॉपियाँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो तेरे साथ क्या था जब तुझे सब्जेक्ट चूज करना था, तेरे को मना कर दी ना तेरी चॉइस? बीसीएम के लिए मना कर रहे थे, पर दूसरे स्कूल में बड़े आराम से हो गया। हाँ, इसे वही मिला। और वैसे भी फ्यूचर में वही करना चाहिए जो आपकी प्लानिंग्स होती हैं, आप क्या चाहते हो। बस 11th का स्टार्टिंग का एक जैसा रिएक्शन रहे एडमिशन के बाद। चलिए दिखाते हैं अब स्कूल में भी जा ही रहे। आज है 11 अप्रैल, याद रहेगी फिर आगे भी कि हम इस दिन गए थे एडमिशन करवाने के। शिवम बोलो आए मेरे साथ। चाहो मियां है मेरी शेरों वाली, शान है माँ की बड़ी। और फिर मैंने कपड़े चेंज करके, शाम की आरती का टाइम हो गया था, मैंने आरती पूजन कर लिया। और आप देख ही रहे हैं नवरात्रों के दिन जितने भी दिन होते हैं पॉजिटिव होता है। और बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैया रानी के ये दिन एक एक करके कैसे निकल गए। 3 नवरात्रे हो चुके हैं, चौथा नवरात्रा आने वाला है। और नवरात्रे अब तो चौथे नवरात्रे से दिखाई भी देने लगते हैं, जो बोलते हैं ना उन्हें भी नवरात्रे ही बोलते हैं। ये वाली ना शिवम ने बनाई है रिमोट। बैठ गई महारानी की तरह। महारानी तो हूँ। चल छोटी आप छोटी हो, तू है छोटा। ये क्या चटनी है? ओए बोलू मैं चाय लेकर ला रहा हूँ। शिवम ने बनाई ये वाली पकौड़िया। कितनी देर में बन गई? थोड़ी देर में। एक घान में सारी जा, तू अपना खाना लिया वो वाला। ये रहा एक घान। आज हमारे ईद का भी आया। ये रहा एक घान। वो ला रहा मेरी चाय। उधर से तो हम दोनों है ना, शिवम और मैं इधर रहते हैं। तो वैसे काफी बन गई। कितने आलू में से सिली तो पहले ही बोल रहा? ये 3। ये 3 आलू में बताओ। और इतने मोटे मोटे आलू इसने कैसे खा लिए? तो व्रत था। ये व्रत नहीं है तुम्हारी, ये दोनों व्रत नहीं है। व्रत तो था ये नहीं। अब हो गया, स्टार्टिंग में 2 लाख के दो। अब नहीं रहेगा। चलो तो खा के आप फिर दिखा। तो बस इवनिंग की चाय के बाद ये वाले नेक्स्ट व्लॉग को मिलेगा आपको। ये है हमारा चौथा नवरात्रा। और नवरात्रे इस तरह से जा रहे हैं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा आई थिंक सो। मैंने सबको धूप दीप सुबह सुबह देती हूँ, शाम को देती हूँ। पूरा परिवार इकट्ठा होकर आरती पूजन करता है, ऐसे होती है दिन की शुरुआत, एंड होता है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें मेरे परिवार में। और आप सबकी के लिए बहुत बहुत दुआएँ। आप सब हंसे फूले फले, अपने परिवार के साथ खुश रहें। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे विद माय फैमिली।